नमस्कार, हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूरा तुगलक वंश समाप्त हो चुका है। अब हम नए वंश की तरफ बढ़ेंगे, सैयद वंश जो आपका दिल्ली सल्तनत में आता है। आज सैयद वंश को ख़त्म कर देंगे कि सैयद वंश से आपका किसी भी एग्जाम में बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत डिटेल में क्वेश्चन उठाता ही नहीं, क्योंकि इसके कारनामे ही नहीं कुछ ऐसे थे नहीं, ठीक है। इसलिए आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कुछ उपाधियाँ हैं कुछ इसके जो सुल्तान हुए थे, और आपका संस्थापक पूछ सकता है इससे जो क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दो भाई, और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। चलिए, ये जितने भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें दो कोर्स आपका रनिंग है पूरा, एक जिलवाड़न वाला और एक आपका लेखपाल का चल रहा है, जिस और ये आपका जो GS+ की क्लास है आपका पूरा 0 से लेके PCS लेवल तक आपको कवर कराया जा रहा है। इसमें 499 का अगर आप इन सभी लेक्चर्स के नोट्स लेते हो तो 499 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे आप PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जिसे आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेशन में। तो हम लोग कहाँ पे थे, हुआ ये था कि नसरुद्दीन महमूद जो आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, उस समय वो एक तरह से कमजोर शासक ही बोल सकते हो, एकदम डरा हुआ शासक, ठीक है, कि कोई आक्रमण हो तो भैया अपने ही जो गद्दी है वो छोड़कर पहले भाग जाना। ये कौन करता है, ये कायर शासक ही करता है, कि जब आप पे विपत्ति आए तो उसे उसे फेस करो भाई। अगर आप पे आक्रमण हो रहा है तो डट के मुकाबला करो उसका, तभी तो आप अच्छे सुल्तान कहलाओगे। मगर नसीरुद्दीन महमूद कुछ ऐसा नहीं था। वो जब देखा कि तैमूर लग ने 1398 में आक्रमण किया है, और क्वेश्चन भी आपसे यहीं से बनता है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तो ये डेट याद रखना 1398, ये आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो वो क्या हुआ भाई साहब, भाग खड़ा हुआ चला गया कहाँ, गुजरात। और गुजरात जाने के बाद जब देखा कि तैमूर सब कुछ लूट लाट ले गया, मुल्तान है आपका, पंजाब है, लाहौर है, ये सभी चीजें लूट लिया काफी मात्रा में धन, और उसके बाद वापस चला गया। और वापस जाते समय अपने एक सेनापति को, कह सकते हो अपने एक ऑफिसर को, उसने नियुक्त कर दिया किस जगह पे, पंजाब के आसपास का जो जगह था वहां पे उसे क्या बना दिया, सरदार बना दिया। और जैसे ही फिर नसीरुद्दीन महमूद वापस दिल्ली के पास आता है तो उसे मार के दौलत खां गद्दी पर, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद दौलत खां एक अफगान शासक होता है, कुछ देर तक वो भी शासन करता है आपका किस पे, दिल्ली सल्तनत पर। फिर बाद में जब देखता है खिरज खां कि अब मुझे दिल्ली की गद्दी संभालनी पड़ेगी, मैं इसके काबिल हो चुका हूँ, वो अपनी सेना बढ़ा लेता है और फिर दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण कर देता है। और क्या करता है, दौलत खां को मारकर एक तरह से बोल सकते हो खिरज खां सैयद वंश की स्थापना करता है। और यही खिरज खां ऐसा है कि जो सैयद वंश से जोड़ा जाता है, बोला जाता है ये गोरी का वंशज था, जो सैयद लोग थे ये गोरी के वंशज ही माने जाते हैं। तो अब इनके बारे में एक एक डिटेल देख लेते हैं, छोटा छोटा इनका डिटेल है आज पूरा का पूरा, जितने भी इनके चार शासक हुए थे उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है। और खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना किया, ये याद रखना। और के टाइम पीरियड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ से टाइम पीरियड का क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम में पूछ लेता है कि कभी कभार कि सैयद वंश जो है मैं खिरज खां का टाइम पीरियड कब था, या दिल्ली सल्तनत में जो है सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या था। तो ये याद रखना 1414 से लेकर 1451 तक था इनका जो सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत में राज था, ठीक है। उसके बाद से इनके जो पहले वंशज आते, मैंने बता दिया कि ये गोरी के वंशज माने जाते हैं। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं आपके किसके पहले सुल्तान के बारे में। एक तरह से वो पहला सुल्तान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सुल्तान की उपाधि ही नहीं लिया था, ठीक है। पहले राजा के बारे में जो खिरज खां आपका सैयद वंश की स्थापना किया था उसके बारे में हम देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं उसके बारे में। चलिए ठीक है, ये देखिए सैयद वंश के कुछ शासक हैं। पहले खिरज खां को पढ़ने से पहले इन चारों लोगों को देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या था। याद रखना कि जो ये खिरज खां है इनका टाइम पीरियड था 1421 तक। उसके बाद से आते हैं इनके मुबारक शाह, मुबारक शाह का टाइम पीरियड है 21 से 34। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है, और मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है 34 से 45। और उसके बाद से आते हैं आलम शाह, ये एक नाम मात्र सुल्तान कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में अपना ये क्या करते हैं, राजपाट त्याग के चले जाते हैं बदायूं, और सब बालन लोधी के हाथ में दे देते हैं। 45 से 51 तक इनका समय काल था, और इसी के बाद लोधी वंश की जो है स्थापना होती है। बालन लोधी जो है आपका लोधी वंश का
संस्थापक बनता है। ठीक है, इसमें सबसे पावरफुल अगर बोला जाए सैयद वंश में जो राजा थे वो कौन थे, मुबारक शाह थे। ठीक है, एक तरह से बोले कि सुल्तान का जो मेन पावर होता है यही दिखाए थे, बाकी और सब क्या थे, निठल्ले थे, एक तरह से कह सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। तो पहले हमारे जो शासक हैं वो हैं कौन, खिज खां हैं। इन्हीं ने सैयद वंश की स्थापना किया था, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इनका टाइम पीरियड भी जान लेना, 14 से कब तक ये 21 तक है। ठीक है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके कौन सी उपाधि धारण किया था, इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था, इसे याद रखना। ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था, तो खिज खां ने धारण किया था। और ये क्वेश्चन ये भी पूछता है सैयद वंश का वो कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, तो कौन था भैया, खिज खां था। ठीक, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया इससे, और दो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। और इसी ने ये अपने आप को सुल्तान का जो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, इसने तैमूर का जो उत्तराधिकारी था उसका क्या नाम था, शाहरुख मिर्जा, उसी का सिपा सलार जो बोला जाता है वो अपने आप को मानता था, एक तरह से उनका सेनापति मानता था। ठीक, अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। और इसके शासन काल में जब ये क्या हुआ, तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो इसे पंजाब के आसपास का वो सरदार घोषित कर दिया गया था, और जितने भी तैमूर लंग ने जो जो प्रांत लूटे थे वो इसके अधीन कर दिए थे, जैसे कौन था, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। ये दीपालपुर वही है जो किसका, फिरोज शाह तुगलक की माँ जो जहाँ की रहती है वही ये दीपालपुर है। ठीक है, तो ये सब इसके अधीन था, और इन सभी जगहों का कर जो है किसे आता था भैया, खिज खां को आता था दिल्ली में। और ये भी कब देते थे, जब वो कहता था कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है दे दो, वो भी टालते रहते थे, यहाँ के जो सरदार थे वो टालते रहते थे खिज खां को, कहते तो भैया ठीक है अभी आया नहीं है, दो दिन बाद ले लेना, चार दिन बाद ले लेना, ऐसे टालते रहते थे। तो जब ये गुस्सा होता था खिज खां का, ये बहुत टाल टाली कर रहे हैं अब इनको हम बताते हैं, तो अपना सेना इकट्ठा करता था और यहाँ पे इनसे कर लेने के लिए पहुंच जाता था। और जैसे देखता है कि सेना लेके खिज खां आ रहा है, ये लोग क्या करते थे, अपने अपने राजस्व से सब उठा के कर जितना होता था इनको पहले रख देते थे, भाई साहब लेके जाओ, आक्रमण मत करना। ठीक, वो जानते थे इनसे हम जीत तो पाएंगे नहीं। ठीक, तो ये होता था इसके कारण शासन काल में, ये अपने शासन काल में अपने आप को सुल्तान माना नहीं, इसीलिए इसने सिक्के नहीं चलाए, इसने जिसने सिक्के चलाए उस पर तुगलक वंश के शासकों का नाम लिखवाया था। ठीक है, एक तरह से। और फरिश्ता इसे क्या कहता है, फरिश्ता कहता है कि खिज खां एक बहुत ही उदार प्रवृत्ति का इंसान था, मतलब दयालु इंसान था। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश में एक यही दयालु इंसान था, इसी वजह से जब इसकी मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 को, तो यहाँ के जो लोग होते हैं आपके खिज खां के सल्तनत के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो बूढ़े हों चाहे आपके नवयुवक हों, वो काले कपड़े पहनकर इस पे मरने के बाद शोक जताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगले शासक को देख लेते हैं। इनका पुत्र आगे शासक बनता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434 तक, ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, बैठने के बाद क्योंकि यही थोड़ा पावरफुल रहता है, इसने कहता है कि मैं जो रैयत आला की उपाधि हमारे पिताजी धारण किए थे उस उपाधि से मेरा कोई काम नहीं चलने वाला। रैयत आला की उपाधि का मतलब होता है किसानों का समर्थक करने वाला, ठीक है, जो किसानों के दुख दर्द में हमेशा साथ रहे उसी को बोला जाता था। ये कहता है किसान उसान के दुख दर्द में नहीं, हमें तो किसानों को से सिर्फ कर लेना है, पैसा लेना है, बस और कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमारा काम सुल्तान वाला है तो हम सुल्तान वाला काम करेंगे। ठीक है, तो इसी ने कहा कि भैया हम सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे, हम अपने बाप की तरह नहीं बनेंगे, साफ सीधी बात है। ठीक, तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है, और यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सैयद वंश में पहला शासक कौन था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सैयद वंश में पूछ रहा हूँ, दिल्ली में सल्तनत में ना कह देना। ठीक है, तो सैयद वंश में पहला शासक कौन था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो वो कौन था, मुबारक शाह था। ठीक, ये याद रखना है यहाँ से। मुबारक शाह के जो काम थे जो इसने किया था अपने सल्तनत काल में वो क्या था, इसने 33 और 34, कहीं आपको 33 मिलेगा कहीं 34 मिलेगा, इसीलिए मैंने दोनों इंक्लूड कर लिया है किसी किसी किताब में। 33 और 34 में ये अपने नाम से एक शहर बसाता है जिसका नाम देता है मुबारकाबाद, तो इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, मुबारक शाह इसका नाम था, मुबारकाबाद इसने शहर बसा दिया। कहाँ बसाया, यमुना नदी के किनारे इसे बसाया था। ठीक है, और ये अपने आप को शाह की उपाधि देकर, ठीक है, सुल्तान तो बन ही गया था, शाह की उपाधि देकर अपने नाम से सिक्के चलाएं, क्योंकि सुल्तान जब भी कोई बनता है तो अपने नाम से ही सिक्के चलवाता है, और इसका पिता सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, इसीलिए उसने
अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, तुगलक जितने राजा थे उनके नाम से सिक्के चलवाए थे, ठीक है, और अपने ही नाम से ये खुतबा पढ़वाया। खुतबा वही लोग पढ़वाते हैं जो सुल्तान बन जाते हैं, ठीक है। बलबन ने भी पढ़वाया था खुतबा, ये भी पढ़वाया था खुतबा। खुतबा में ये होता है एक तरह से कि जो मौलवी लोग होते हैं मस्जिद के, वो क्या करते हैं, राजा के प्रशंसा करते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, एक तरह से वो लिखी हुई एक उनके बारे में पूरा जितने जन कल्याण ये काम किए रहते हैं उसी का डिटेल रहता है, उसी को ये लोग सुनाते रहते हैं। राजा रोज सुन सुन के अपने आप में प्रसन्न होता रहता है, वाह क्या बात कही है, ठीक है, ऐसे टाइप का होता है कुछ। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। इसी के शासन काल में कहा जाता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी, सरहिंदी की नाम मैंने इससे पहले भी लेक्चर में आपको बताया जब फिरोज शाह तुगलक पढ़ा रहा था, इसी की जो है किताब से मुझे डिटेल पता चलता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, किसने क्या किया था, कैनाल का जो है नेटवर्क फैलाया हुआ था, ठीक है। तो इसी से, इसी की किताब से, जो इसकी किताब है तारीख़े मुबारक शाही, इसी की किताब से सैयद वंश के बारे में भी दिल्ली सल्तनत में पता चलता है एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है ना। अब इसके मृत्यु के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि भैया क्या हुआ, इसके साथ षड्यंत्र खेला गया, क्योंकि ये थोड़ा ताकतवर शासक था। जब कोई इंसान ताकतवर हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, षड्यंत्र होने लगता है, जानता है कि इसे हटाना जरूरी हो गया, नहीं तो ये क्या करेगा, नाक में दम कर देगा, ठीक। इसीलिए क्या करता है, इसका जो वजीर होता है, क्या नाम रहता है, सरवर उल मुल्क, वो क्या करता है, इसके खिलाफ षड्यंत्र करता है और इसकी हत्या करा देता है। और इसकी हत्या कराने के बाद, कब इसकी हत्या हो जाती है, 34 ईस्वी में हो जाती है इसकी हत्या। और हत्या कराने के बाद इसी का बोला जाए गोद लिया हुआ पुत्र था, उसे सरदार बनाता है। कौन बनाता है, वजीर बनाता है। वजीर इसलिए उसे सरदार बनाता है कि जो वहां के इनके जो फॉलोअर थे वो नाराज ना हो, क्योंकि जानता है कि उसे हम सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान बना देंगे, बाकी जो करेंगे वो हमारे मर्जी से होगा। और इसके साथ ये नहीं ऐसा कर सकते थे वजीर जो ये थे सरवर उल मुल्क, क्योंकि ये बहुत कड़ा शासक रहता है, ठीक है, ये इनके शासन में करते हैं तो ये उन्हें ही टपकवा देता, तो ये जान जाते हैं इनको मारना जरूरी हो गया है तो मरवा देते हैं। और इसका जो पुत्र रहता है कुछ अमीरों के समर्थन से उसे क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं, और फिर अपने एक तरह से हुकूमत ये वजीर करने लगते हैं। देख लेते हैं अगला जो हमारा शासक बनता है वो कौन बनता है, मोहम्मद शाह बनता है। मुबारक के बाद मोहम्मद शाह आता है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 34 से लेकर 45 तक है, 1434 से 1445 तक ये राज करता है दिल्ली पे, ठीक। और ये क्या, मोहम्मद शाह का जो है गोद लिया हुआ पुत्र था, सगा पुत्र नहीं था, ठीक है, इसे उसी ने, वजीर ने कुछ अमीरों के साथ मिलकर सुल्तान बना दिया था। और सुल्तान बनाने का एक सब एक तरह से सिर्फ ये नाम मात्र का सुल्तान था, और सभी नियंत्रण जो है इसी के अंतर्गत आता था, किसके, वजीर के। वजीर जो सरवर उल मुल्क था, इसने क्या किया था, पूरा शस्त्रागार, राजकोष और जितने भी सेना बोल सकते हो सैन्य विभाग जो था इसी के अंतर्गत आ गया। जब ये इतने विभाग इसके अंतर्गत आ गया तो कोई किसी का क्या सुनेगा, सुल्तान का थोड़ी कोई सुनेगा, वो तो सब वजीर के ही सुनेंगे, तो सब कुछ इसी के कहने पर चलता था। तो ये जब सुल्तान को रियलाइज हुआ कि भैया मेरा पावर तो कुछ है ही नहीं, जो है ये वजीर का ही है, तो इसने क्या किया, अपने कुछ जो चहेते थे सरदार थे उनको बुलाया, खोपचे में मीटिंग कराया और बोला कि भैया ऐसा करते हैं कि जो ये इसके पास है बहुत सावधानी से इसको मरवा देते हैं, नहीं तो भाई ये भी तो जो जो इसके राजकोष में अधिकारी होंगे वो भी तो इसके समर्थन होंगे, ठीक है, और जो सैन्य वाले होंगे, पूरी सैनिक किसी के साथ है तो सैनिक विद्रोह कर सकती है, अगर डायरेक्ट हम कह देते हैं, आदेश दे देते हैं तो वो सैनिक भी विद्रोह कर देगी, क्यों हमारे वजीर को मरवा दिया। इसीलिए बहुत सावधानी से इसके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है और राजा ने इसे मरवा देता है, ठीक। मारने के बाद सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाता है, सब कुछ सुल्तान के हाथ में चला आता है, और सुल्तान अपने एक विश्वास पात्र बोल सकते हो एक अधिकारी को अपना क्या करता है, वजीर नियुक्त करता है, जिसका नाम क्या आता है, कमाल मुल्क नाम रहता है, यह उसका नया वजीर जो है नियुक्त होता है। और सब कुछ सही रूप से चलता रहता है, लेकिन कहां खुदा को यह मंजूर नहीं आता है कि कोई चीज सही ढंग से चल पाए। और उसी समय क्या होता है, मालवा का एक शासक रहता है, बोल सकते हो उसका नाम था महमूद खिलजी, यह क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण क्यों कर देता है, जानता है ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, हो सकता है भाई मेरा ही लक काम कर जाए और मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाए। भाई देखो, दिल्ली के लिए हमेशा लड़ाई चलती रही है, आज भी दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए क्या होता है, सब लड़ते रहते हैं। तो वही था पहले भी, क्योंकि दिल्ली ऐसा केंद्र था जहां से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, और आज भी वही होता है, दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल होता है भाई साहब आपके, तो इसीलिए दिल्ली के लिए लड़ाई हमेशा चलती रहेगी हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है।
तो ये खिलजी आपका कहाँ आक्रमण करता है मोहम्मद शाह पे, और मोहम्मद शाह घबरा जाते हैं, भैया मेरे पास सेना इतनी है नहीं, कोई बढ़िया सरदार भी नहीं है जो नेतृत्व कर सके हमारी सेना का। तो ये क्या करता है, मुल्तान के जो सरदार होते हैं कौन, बहलोल लोधी, उनसे सहायता मांगता है, भाई साहब आके मेरी सहायता करो, ये तो हमारे ऊपर आता ही जा रहा है। कौन, महमूद खिलजी, एकदम दिल्ली की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो बहलोल लोधी आता है, उसका भाई काफी दबदबा रहता है, ठीक है, एक तरह से उसके पास सेना भी रहती है, वहां जो मुल्तान का सरदार रहता है वो अपने मुल्तान पूरी तरह से सुरक्षित रखता है हर आक्रमण से, मंगोलों के आक्रमण से भी, ठीक है, इसलिए वो अपनी सेना लेकर आता है और इनकी सहायता करता है। और जैसे सहायता करता है और ये जीत जाते हैं, तो मोहम्मद शाह क्या कहते हैं, इन्हें एक उपाधि देते हैं, क्या, खाने खाना की उपाधि देते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खाने खाना की उपाधि किसने दिया था, किसको दिया था, तो ये ध्यान रखना बहलोल लोधी को दिया गया था, खाने खाना की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और यही मोहम्मद शाह बहलोल लोधी को अपने पुत्र के समान मानने लगते हैं जब इनकी सहायता करता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और अगले शासक को देख लेते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में देख लें पहले, उसके बाद अगले शासक को देखेंगे। इनकी मृत्यु 1443 में हो जाती है, कहां, दिल्ली पे। कुछ कहने का मतलब ये है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 43 में इनकी मृत्यु हो जाती है जब बहलोल लोधी आक्रमण करता है दिल्ली पर। बहलोल लोधी क्यों करेगा भाई, जब उसे पुत्र की संज्ञा दी थी, भाई कोई जो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का बाप, कोई किसी का बेटा नहीं, क्या होता है राजनीति करने में, कोई अपने आप को सगा नहीं समझता, अपने बाप को मार देते, अपने बेटे को मार देते, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पाने के लिए भलाई से, ये तो सगा पुत्र थोड़ी था, तो पुत्र की संज्ञा दी गई थी इसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखता है जब ये कमजोर हो जाते हैं मोहम्मद शाह, इन पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है और दिल्ली की गद्दी पर इनको मारकर बैठ जाता है। मगर कुछ इतिहासकार यहाँ मतभेद मानते हैं और कहते हैं कि इसकी जो है मृत्यु जो हुई थी वो 45 में हुई थी, ठीक है, अलग अलग मतभेद है, बाकी डिपेंड करता है इतिहासकारों पर क्या है इसका मेन राज, वो तो हम और आप तो थे नहीं उस समय, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला सुल्तान कौन बनता है भाई साहब, आलम शाह बनते हैं, ठीक है। आलम शाह किसके, मोहम्मद शाह के पुत्र रहते हैं भाई, पूरा वंशानुगत पोस्ट था सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत में, तो ये चला आता है। तो इसीलिए जब मोहम्मद शाह मरने के बाद आलम शाह गद्दी पर बैठते हैं, इनका टाइम पीरियड 45 से लेकर 51 तक, और यही 51 लास्ट है, इनके बाद कौन सा आपका लोधी वंश की स्थापना होती है, ठीक है, देख लेते हैं। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसे एक टाइटल मिलता है, कौन सी टाइटल मिलता है, अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद यह अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करता है। और इसे बैठाने के पीछे कौन था भाई, इसके बैठाने के पीछे बहलोल लोधी था, क्योंकि वही तो आक्रमण किया था मोहम्मद शाह पर, ठीक है, आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद वो सोचता है कि अभी जनता में विद्रोह हो जाएगा, हम डायरेक्ट हटा देंगे, तो धीरे धीरे चीजें हटानी है, धीरे धीरे लोधी वंश को ही स्थापना करना है, अचानक नहीं कोई चीज अटैक करके खत्म कर देना है, नहीं तो वहां की जनता विद्रोह कर देगी, ठीक। इस वजह से क्या करता है कि ये उसके जो पुत्र रहता है, एक तरह से निठल्ला ही रहता है ये भी, तो इसको क्या करता है, गद्दी पर बैठा देता है और सभी नियंत्रण अपने आप में ले लेता है और सब कुछ संचालन खुद बहलोल लोधी करता रहता है, ठीक है। और क्या होता है, ये सब देखकर जो आपके अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं, इनसे रहा नहीं जाता, ये एक दिन आके भैया बहलोल लोधी के पास सर दे के बोलते हैं उनसे कि भाई साहब ऐसा करो, हमें छोड़ दो, हमें कहीं जाने दो, ना मुझे तुम राजा की तरह ट्रीट करते हो, ना किसी तरह ट्रीट करते हो, ना एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हो, खाली मुझे कठपुतली बना रखे हो, जब चाहे तब इधर न चाहे, जब चाहे तो उधर न चाहे, तो भैया मुझे इससे मुक्त करो, ये राज सिंहासन जितना राजपाट है तुम लो, तुम ही चलाओ, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पूरे जनता के बीच जाकर ऐलान कर देते हैं कि मैं अपना राजपाट किसे दे रहा हूँ, बहलोल लोधी को दे रहा हूँ, और मैं संन्यास ले रहा हूँ। और ये संन्यास लेकर कहाँ चले जाते हैं, बदायूं चले जाते हैं, ठीक है। तो ये भैया अपना राजपाट देखकर कहाँ चले जाते हैं, बदायूं चले जाते हैं, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, बहलोल लोधी के पास सब कुछ तो था ही, और एक तरह से कहा जाए बहलोल लोधी ही दिल्ली का सुल्तान बनता है और लोधी वंश की स्थापना होती है। कहा जाता है कि जब कौन आपका आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, उस समय दिल्ली सल्तनत की जो एक तरह से साम्राज्य सीमा बोल सकते हो बहुत छोटी थी, 20 कोस के दायरे में थी एक तरह से बोल सकते हो। और इसी में एक कहावत फेमस हो गई थी, वो कहावत क्या थी, आलम से पालम तक ही सल्तनत का साम्राज्य था, आलम से पालम तक ही क्या था, साम्राज्य से फैला हुआ था। पालम क्या है भैया, ये एक जगह है, वो पालम कौन सी जगह है, जो करेंटली इस समय आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां पे जो वहां की लोकेलिटी है इंदिरा गांधी वाली एयरपोर्ट की, वही पहले पालम थी इनके समय काल में,
ठीक है, तो भैया ये भी मर जाते हैं और मरने के बाद सब कुछ लोधी के वंश, लोधी के हाथ में आ जाता है और लोधी वंश की स्थापना कर देता है। तो अब इस लोधी वंश के बारे में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां पे हम लोधियों को देखेंगे कि उनका साम्राज्य कैसा था, कौन कौन से सुल्तान बने, क्या क्या उनके काम थे। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं आपको लोधी वंश के साथ। तब तक ये सभी लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और लाइक कर दो।